अभी जो ये घटना घटी है निश्चित तौर पर उस पर संज्ञान में लिया गया है। और मैं आपको बताना चाहते हैं, कोई भी क्राइम होता है, क्राइम रोकने के लिए सरकार कोशिश करती है, लेकिन जहाँ तक सरकार जो भी क्राइम होता है उसको ट्रेस आउट करके 2-4 दिन के अंदर सभी को सलाखों के पीछे भरने के काम करते हैं। और मेरा मनसा है कि इस तरह का घटना की पुनर्वृत्ति नहीं हो, इस दिशा में आज हम लोग बात करें। और अब लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सब कुछ चिंतित है। और लॉ एंड ऑर्डर इस तरह की घटना सिर्फ झारखंड में और मेरे ही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी के कार्यकाल में हुई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर एक चीज को हम लोग गंभीरता से लिए हैं, सरकार भी गंभीरता से लिया है और उसका हम लोग निष्पादन करने की कोशिश करेंगे ताकि दोबारा पुनर्वृत्ति इस चीज में कार्रवाई की जरूरत। हाँ, निश्चित रूप से हमने तो बार बार कहा है कि जो दुर्दांत अपराधी है, जो जेलों से भी जहाँ लोग एक्सटॉर्शन करता है, वैसे लोगों को बाहर भेजो। और जो इस प्रकार से दिन दहाड़े हत्या करते हैं रांची जैसे शहर में, और उसमें भी मैंने देख रहा हूँ कि इन दिनों खास करके ट्राइबल जो युवक होते हैं, जो भी होनहार युवक होते हैं, आगे जो बढ़ते हुए जिसको दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या कोई थोड़ा बहुत बिजनेस में हो, उनको भी देखते हैं रास्ते से लोग तुरंत हटा दे रहे हैं। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। तो अगर जो होनहार लड़के हो, ट्राइबल लड़के हो, बिजनेस करता हो या किसी पोस्ट पर नौकरी करता हो, और ऐसे लोगों को अगर इस प्रकार से हत्या हो, तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं ऐसी हमला है जो कि ट्राइबल फिर आगे नहीं बढ़े, वो पीछे ही रहे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।